गुड मॉर्निंग डियर किड्स. सो एज वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 16 दैट अवर प्राइड 3. इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टू फेमस पर्सनालिटीज डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड द सेकेंड वन इज देयर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा. सो आई होप दैट यू हैव रीड द पैराग्राफ वेरी वेल एंड आई थॉट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ. आफ्टर दैट द थर्ड पर्सनालिटी इज देयर जीजाबाई. सो आई मुझे ऐसा लगता है कि ये नाम शायद आप लोगों को पता हो कि जीजाबाई जो है कौन थे. तो अगर आप लोगों ने कहीं हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ा हो तो जीजाबाई जो थे वो शिवाजी के मदर का नाम था. सो यू ऑल नो शिवाजीज नेम. द क्रेडिट ऑफ मेकिंग हिम एन एनलाइटन एंड शार्प पर्सनालिटी गोज टू हिज मदर जीजाबाई. तो शिवाजी का नाम जो है वो हम सबको पता है, बट उनको इस पर्सनालिटी तक पहुंचाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो उनकी मदर जीजाबाई को जाता है. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, रिलीजियस एंड फेल्ट प्राइड इन फॉलोइंग हर रिलीजन. वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी जीजाबाई, और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी. मतलब उनको अपने धर्म पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था. शी वॉज अ वुमन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन एंड अ ग्रेट डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी. वो जो है जीजाबाई जो है धार्मिक होने के साथ साथ तुलजा भवानी की बहुत बड़ी भक्त थी. एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ शी स्टेड एट द फोर्ट ऑफ शिवनेर एंड प्रेड फॉर बर्थ ऑफ अ ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग सन. जब शिवाजी का जन्म होने वाला था तब जीजाबाई जो थे वो शिवनेर के किले में थे, और वहाँ पर वो भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक बहुत ही बहादुर और सेल्फ रेस्पेक्टेड सन मिले, जिसको अपना आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा फिक्र हो और वो कुछ भी कर सकता है अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए. She told her son tells from Mahabharat and the Ramayan to made him virtuous and enlightened. उसने अपने बेटे को बहादुर बनाने के लिए रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी सुनाई थी. Then she awakened in Shivaji the pride of Indian culture. उन्होंने शिवाजी को भारतीय संस्कृति के बारे में इतनी अच्छी सीख दी. उन्होंने ये सिखाया कि अगर हमारी संस्कृति पे, हमारे धर्म पे कोई आँच आती है, देन वी शुड डू एनीथिंग फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ अवर रिलीजन. शी एनकरेज हिम टू बिकम ब्रेव. उन्होंने उसको बहादुर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज किया. शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर इन गेनिंग विक्ट्री ओवर द फोर्ट ऑफ कोंडाला. कोंडाला के किले को जीतने के लिए, उसकी जीत के लिए उसकी मदर ने, जीजाबाई ने उनको बहुत इंस्पायर किया था. वी गेट इंस्पिरेशन टू इन्फ्यूज पैट्रियटिज्म इन अवर चिल्ड्रन थ्रू द लाइफ ऑफ जीजाबाई. हम भी हमारे बच्चों को, या हम, मैं आप लोगों को जीजाबाई और शिवाजी का एग्जाम्पल लेके हमारे मदर को भी, हमारे बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए पैट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति के लिए. मतलब हमारे मन में भी वो जज्बा होना चाहिए कि हमारे देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज द सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. शी इंस्पायर्ड शिवाजी टू फेस द ग्रेटेस्ट चैलेंज एंड डेंजर्स फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. देश की आज़ादी को बचाने के लिए उन्होंने शिवाजी को इंस्पायर किया कि आपको कोई भी चैलेंज को फेस करने से नहीं डरना चाहिए, कोई भी मुश्किल आए बट अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए आप में कुछ भी कर सकने का जज्बा होना चाहिए. शिवाजी लर्न फ्रॉम हिज मदर टू कीप हिज कूल इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा अपने आप को शांत रखने की जो बात है वो उसकी मदर ने उनको सिखाई थी. हर मदर टॉट हिम टू मेक फ्लॉलेस प्लानिंग ऑल्सो. उसकी मदर ने यह भी सिखाया कि किसी भी चीज़ को करने से पहले किस तरीके से हमें प्लानिंग करके आगे चलना चाहिए. तो ये जो था ये पूरा जीजाबाई के बारे में था, दैट विच काइंड ऑफ लेडी शी वॉज एंड हाउ शी इंस्पायर्ड शिवाजी टू गेट फ्रीडम. तो इसमें जीजाबाई का कैरेक्टर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने शिवाजी को विक्ट्री हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, कंट्री के फ्रीडम के लिए किस तरीके से उन्होंने शिवाजी को इंस्पायर किया, एंड हाउ वुड वन मदर लाइक टू डू, किस तरीके से एक मदर को अपने बच्चों के साथ बिहेव करनी चाहिए. ये चीज़ भी शिवाजी के मदर के जो कैरेक्टर है उससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ दैट डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर. आई थिंक वी ऑल आर वेल नोन अबाउट दिस पर्सनैलिटी, क्योंकि ये जो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ी हेल्प की थी. उनको अब फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है.
सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी भारत का जो संविधान है जिसके अंदर बहुत सारे ड्यूटीज है, देन बहुत सारे हमारे जो राइट्स है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई है कि एक इंडियन सिटीजन के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, कौन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो पूरा भारत का जो संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत बड़ा उनका रोल है। ही वॉज अ शार्प स्टूडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा शार्प स्टूडेंट थे। इस फैमिली बिलोंग टू नेकलैन, बट विथ द पैसेज ऑफ टाइम इट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ महार कास्ट। वो जिस फैमिली से बिलोंग करते थे बाद में उस फैमिली को माहर के नाम से जाना गया। हिज एंटायर लाइफ इज अ टेल ऑफ स्ट्रगल एज भीमराव हैड अ फेस डिसग्रेस एंड एक्यूजेशन फॉर बींग बॉर्न इन एन अनटचेबल फैमिली। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लाइफ जर्नी चल रही थी उस समय कुछ फैमिली को अछूत माना जाता था, मतलब उनको हम छू नहीं सकते थे, वो फैमिली सबसे दूर रहती थी। उस टाइप की जो फैमिली होती थी वो गांव में जितने भी लोग रहते थे उनसे वो दूर रहते थे, वो अलग कम्युनिटी उनकी मानी जाती थी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उस समय जब वो अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया क्योंकि उनकी फैमिली एक अछूत फैमिली थी। एज अ यंग बॉय ही डेवलप्ड करेज टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एविल्स। उन्होंने अपनी यंग एज में ही बहुत सारे सोशल इनजस्टिस, मतलब जो अन्याय लोगों के साथ होते थे और बहुत ज़्यादा जो अलग अलग कुरिवाज थे जो लोगों को डिनाइट करने का काम करते थे, ऐसे सारे एविल्स और इनजस्टिस के खिलाफ उन्होंने बहुत लड़ाई की। ही सेट ऑन अ जूट कारपेट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही वॉज अनटचेबल। इवन जब वो क्लास में जाते थे तो क्लास में भी वो अलग एक कारपेट पे अलग बैठा दिए जाते थे क्योंकि वो अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वेंट टू बॉम्बे फॉर हायर एजुकेशन। वो भीमराव अम्बेडकर अपनी लाइफ में हायर एजुकेशन लेने के लिए बॉम्बे गए थे, एंड देयर हिज रूम वॉज सो स्मॉल दैट फादर एंड सन कुड नॉट इवन स्लीप टुगेदर। और बॉम्बे में उनको जो रूम मिला था वो इतना छोटा था कि इवन एक फादर और सन एक साथ सो भी नहीं सकते। भीमराव यूज टू स्टडी इन द लाइट ऑफ अ लैंटर्न। जब उन्होंने स्टडी किया था तब लैंटर्न की लाइट में, मतलब जो एक फानुस होता है उसकी लाइट में उन्होंने स्टडी किया था। मतलब जस्ट थिंक अबाउट दैट हाउ मच स्ट्रगल हैज़ बीन डन बाय भीमराव अम्बेडकर टू गेट दिस काइंड ऑफ पोजीशन। आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट ऑफ बड़ौदा ही वेंट टू अमेरिका टू गेन एजुकेशन। उसके बाद जब उनको स्टेट ऑफ बड़ौदा से स्कॉलरशिप मिली तो उसके जरिए वो अमेरिका गए हायर एजुकेशन के लिए। ही टुक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में, आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। और उनको भारत का जो संविधान बनाने की जो कमेटी थी उनका प्रेसिडेंट बना दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड अंडर हिज चेयरमैनशिप। और ये जो भारत का संविधान जो अभी हम सारे फॉलो करते हैं उसको बनाने के पीछे उन्हीं का सबसे बड़ा रोल था। उनके चेयरमैनशिप के अंडर में पूरी कमेटी ने भारत का संविधान बनाया था। सो बेटा, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि चैप्टर अच्छे से रीड करो, बिकॉज वट एवर क्वेश्चन आंसर आई एम गिविंग दैट इज नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू चैप्टर। जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो चैप्टर के अकॉर्डिंग इनफ नहीं है। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर, इट्स नॉट टू ईजी टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर। अगर मैं सारे क्वेश्चन आंसर बनाने जाऊँगी तो इस चैप्टर के कम से कम 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो माई डियर किड्स, जस्ट रीड द चैप्टर प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटीज, वॉट काइंड ऑफ स्ट्रगल दे हैव डन, और उनकी लाइफ के बारे में एटलीस्ट 5-6 लाइन यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने 4 पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जीजा भाई एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन चारों पर्सनैलिटी के बारे में एटलीस्ट उनके बारे में 5-6 लाइन आप सबको बाय हार्ट हो जानी चाहिए, जो जब भी पूछे एनी टाइम यू कैन गिव द आंसर। सो माई डियर किड्स, जस्ट रीड द चैप्टर प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल लर्न इन नेक्स्ट सेशन, एंड वॉट एवर क्वेश्चन आंसर आई एम गिविंग जस्ट ट्राई टू नोट डाउन इन योर नोटबुक।